नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ओवरसीज रहकर के ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहकर के भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वर्क वीजा कैसे आपको मिल सकता है, सारी चीजें डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप मिस कर गए तो उसके बाद में आपको बात पता नहीं चलेगी, फिर आप सेम चीज जो मैंने वीडियो में बताई हुई होती है वही आप कमेंट करके पूछ रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बार पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसके बावजूद अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो संकोच एकदम मत करिएगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप ओवरसीज में हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं, तो किस तरह से आप जॉब यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्लासडोर, जोरा, इंडीड, लिंक्डइन, सीक.कॉम जैसी तमाम सारी साइट्स हैं जहां पर यहां के एम्प्लॉयर्स अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरतों के हिसाब से जॉब्स निकालते हैं। तो आप सबसे पहले इनमें जाकर के, इन साइट्स में जाकर के, इसके अलावा भी आप ढूंढिए, और काफी साइट्स हैं जहां पर जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कीजिए। जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई को मैच करता हो, जिस तरह की आपने डिग्री और एजुकेशन ले रखी है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उन सब चीजों को मिला जुला करके देखते हुए ही आप किसी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस जॉब के लिए, तो तब आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वर्क वीजा सब क्लास होता है 482। अब इस 482 वीजा को जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी तीन कैटेगरीज हैं, डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपली आप इस चीज को समझ लीजिए कि मैंने जो बताई है उन साइट्स में जाकर के आपको जॉब ढूंढना है, उसके अलावा भी कोई साइट मिलती है तो वहां पर जाकर के आपको जॉब ढूंढना है। जॉब जब मिल जाती है तो उन जॉब्स को अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू वगैरह जो पूरा प्रोसेसर है जॉब प्राप्त करने का वो आप कर लीजिए, और जब सब चीजें फाइनल हो जाती है तभी आपको जाकर के वीजा अप्लाई करना है। ध्यान ये रखना है कि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन प्लस मिनिमम आपका 2 साल का उसी से रिलेवेंट फील्ड में जो है एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, जब आपकी जॉब वगैरह फाइनल होती है, वीजा फाइनल होता है, तो उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी स्किल असेसमेंट की। वो भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा है, उसकी जो भी फीस वगैरह होती है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन वो जो भी असेसमेंट करने वाली बॉडीज है वो आपको भेजती है। अच्छा हाँ, ये कितने दिन तक वैलिड रहती है ये भी जानना जरूरी होता है। तो अक्सर अधिकांश ये 3 वर्ष तक वैलिड रहती है। तो ये सब कुछ करने के बाद ही जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो अब यहां पर आकर के हो जाते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज इसी 482 सब क्लास वीजा के अंतर्गत। तो अब मैं आपको ये तीनों को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली कैटेगरी है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम। तो इस शॉर्ट टर्म स्ट्रीम के अंतर्गत जो वीजा आपको प्राप्त होता है वो होता है 2 से लेकर के और 4 साल के लिए। तो ये 2 से लेकर के 4 साल तक जो भी इंप्लॉयर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट देता है वहां आप रह करके जॉब कर सकते हैं। इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको ये जब वीजा मिलेगा तो आपको उसी एम्प्लॉयर के यहां पर काम करना है। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात यह है कि अगर 2 से 4 साल काम कर लेने के बाद आप यहां की जो डिमांड लिस्ट है अगर उसमें आप मैच करते हैं या आपकी दूसरी जो भी परिस्थितियां हैं अगर आप उन सबको मिलाते हुए देखते हुए एलिजिबल हैं तो आप PR अर्थात परमानेंट रेजिडेंस वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में अगर आप होपफुल रहे और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कंपनी की रिक्वायरमेंट भी है, कई चीजें अगर साथ में आके मैच करती हैं तो उम्मीद कर सकते हैं। मैं कोई श्योरिटी तो नहीं दे रहा हूं कि कई बार छोटी मोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियां भी आपको PR के लिए भी स्पॉन्सर करती है, लेकिन वो बहुत आगे की बात है, शुरुआत में तो भी आप यहां वर्क वीजा की बात कर रहे हैं। तो 2 से 4 साल आपको इसमें काम करना होता है। इस वीजा सब क्लास के अंतर्गत आप मल्टीपल टाइम इंडिया हो या किसी दूसरी कंट्री से, जहां से भी आपको यहां का ये वर्क वीजा लगा है, मल्टीपल टाइम आप आ सकते हैं और जा सकते हैं वापस। दूसरी चीज, आप इसमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेकर के आ सकते हैं साथ में। हां, इस वीजा को जब आप लगाते हैं तो इसकी जो फीस है वो है $1455। तो 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, और अगर आपके फैमिली में 1 या 2 या 3 मेंबर्स को साथ में लेके आते हैं तो उनकी भी यही फीस होगी। तो जो भी एम्प्लॉयर के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सबको, या गवर्नमेंट ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी हैं उनको सबको फुलफिल करते हुए जब आपका वीजा आ जाता है तो आप यहां आ सकते हैं। जब ये वीजा आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप IELTS देने जा रहे हैं तो आपको 4.5 bands ईच में चाहिए रहेगा। अगर आप PTE देने जा रहे हैं तो आपको 30 ईच चाहिए रहेगा। अगर आप OIT देने जा रहे हैं
तो चारों स्ट्रीम में आपको ग्रेड बी चाहिए रहेगा, तो ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अचीव करना पड़ेगा इस शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा कैटेगरी के अंतर्गत। 482 वीजा सब क्लास के अंतर्गत जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है मीडियम टर्म वीजा। अब मीडियम टर्म वीजा में क्या है, तो इसके अंतर्गत भी बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी आपको जो वीजा मिलेगा उसमें आप 2 से 4 साल तक रह करके और काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम एम्प्लॉयर के यहाँ ही जॉब करनी है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जिसके यहाँ आपको फर्स्ट टाइम जॉब मिलती है या जिसकी स्पॉन्सरशिप पे आपको ये वीजा मिला हुआ होता है। और इसमें भी आप अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, इसमें भी आप मल्टीपल टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लाइक अपनी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया आप कई बार यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वीजा की इस कैटेगरी में एज की कोई लिमिट नहीं है, वैसे इसके पहले वाली वीजा कैटेगरी में भी कोई एज की लिमिट नहीं थी। तो इसमें आप किसी भी एज के हैं, क्योंकि ये मेंशन नहीं है वेबसाइट में, तो आप किसी भी एज के हैं बशर्ते आप फिट हो, क्योंकि फिटनेस तो जरूरी है, यहाँ पे वर्क काफी हार्ड होता है। तो इस वीजा कैटेगरी के लिए भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें से अगर आप आइल्स देते हैं तो 5 ईच बैंड्स आपको चाहिए रहेंगे। अगर आप पीटीई देते हैं तो आपको 36 ईच चाहिए रहेगा। अगर आप बीईटी देते हैं तो हर स्ट्रीम में आपको बी ग्रेड चाहिए रहेगा। तो ये इसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। और इस कैटेगरी के वीजा अप्लाई करने पर आपको जो फीस अप्लाई होगी वो होगी $3,035 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की जो है आपकी फीस होगी। यहां एक बात और मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये फीस है, कई बार ये कोई श्योरिटी नहीं होती है, कई बार कुछ एम्प्लॉयर्स जो है ये फीस स्वयं भी भरते हैं, कई बार आपको अपने जेब से भरनी पड़ सकती है। तो ये आपके और जो कंपनी आपको जॉब दे रही है, जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है, तो आपके और उसके बीच की बात होती है। तो यहां चूंकि चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं, तो एम्प्लॉयर अगर दे रहा होगा तो पहले से ही आपको मेंशन करेगा, अपने एग्रीमेंट में उस चीज को बता देगा कि वो भर रहा है या आपको भरना पड़ रहा है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो जो मैंने पहले आपको कैटेगरी बताई है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, उसमें जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो कितने दिन में वीजा आ जाएगा, तो उसकी ड्यूरेशन लगभग 5 दिन से लेकर के और 2 महीने तक की होती है, कि 5 दिन से लेकर के और 2 महीने के बीच में आपको वीजा मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद। और ये जो मैंने आपको सेकंड कैटेगरी बताई है मीडियम टर्म वीजा, इसमें भी आपको 5 डेज से लेकर के और 3 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है, कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो 5 दिन से 3 महीने के बीच में आपको ये वीजा प्राप्त हो सकता है, अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं तो। और तीसरी कैटेगरी आती है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, तो ये थोड़ा सा अलग है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन तीनों में ही, लेकिन ये कुछ इस तरह से अलग है कि इसमें वही कंपनियां या वही एम्प्लॉयर ओवरसीज से किसी को हायर कर सकता है, जिन कंपनियों का या जिन एम्प्लॉयर्स का यहां की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में लेबर एग्रीमेंट है। तो जब देखिए, यहां का एक तो रूल आपको मैं पहले से बता दूं कि अगर seek.com में हजारों जॉब्स हैं तो जरूरी नहीं कि उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां के रूल के हिसाब से सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल लोग हैं, मीन्स यहां के सिटीजन हैं या यहां के पीआर हैं, तो उनको जॉब देनी है। लेकिन किन्हीं कंडीशंस में अगर एम्प्लॉयर को उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उनको एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, तभी वो ओवरसीज हायर कर सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इसमें केवल वही कंपनियां एब्रॉड से या ओवरसीज से लेबर हायर कर सकती हैं या काम करने वाले लोगों को हायर कर सकती हैं, जिन कंपनियों का यहां की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में ऑलरेडी पहले से लेबर एग्रीमेंट हो चुका है। तो इसकी फीस भी वही $3,035 पर हेड होती है। इसमें भी आप बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, इसमें भी आप पूरी फैमिली को अपने लेकर के यहां पर आ सकते हैं। आप जब अपने फैमिली मेंबर्स को यहां लाना चाहेंगे तो पर हेड उनकी भी वीजा फीस आपको यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। और इसमें भी एक चीज और जान लीजिए कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, प्लस आपका वहां पर मेडिकल एग्जामिन होगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पर कुछ सेंटर्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं इसके लिए। अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं या डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं तो ये चीजें आपको सब पता चल जाएंगी ऑनलाइन में। सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। जब आप वहां जाकर के अपना मेडिकल करवाएंगे तो वो रिपोर्ट डायरेक्टली सीक्रेटली जो है यहां की गवर्नमेंट के पास में आती है। तो मेडिकली आपको फिट होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर कुछ रोग और कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिसके लिए यहां की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, उनको कतई नहीं लेते हैं।
तो आपको हेल्दी होना चाहिए, प्लस आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए। इसके लिए अगर आप भविष्य में भी कभी ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो आप इस चीज का ख्याल रखिए कि छोटी मोटी बातों में कहीं उलझे नहीं, आपके ऊपर कोई पुलिस केस ना हो, किसी भी प्रकार की आप प्रॉब्लम से पूरी तरह से फ्री रहें, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीजों को लेकर के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट काफी सीरियस है, काफी सख्त है, और इसे आप मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, उनको परफेक्टली ही परफॉर्म करें और परफेक्टली ही सबमिट करें। अब यहां पर यह है कि अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, तो आप सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके और आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो तो भी आप किसी रजिस्टर्ड एजेंट के पास जाकर के उसकी सेवाओं को लीजिए। इसमें भी एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब मैं इंडिया में था, जब हमने किया था 14-15 साल पहले, तब ये सुनने में आता था, अब ये कितना सच है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, वो आप मार्केट में खुद पता लगाइएगा, कि कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो थोड़ा सा जिन पर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। नहीं कि पहले बार किसी एक व्यक्ति के पास गया और उसी की बातों में आ गया और कर लिया। ऑनलाइन भी सर्च कीजिए, दो चार लोगों से पूछिए जाकीजिए भी, और दो चार अलग अलग एजेंट से मिल लीजिए, जहां आपको लगे, जहां आपके लाइक जहां आपको फील हो कि हाँ ये सही व्यक्ति है या जिसके बारे में आपको सही रिकमेंडेशन मिले, तो उस एजेंट से आप करवाइए। और प्रोसीजर शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है, जो कि जरूरी है इन दो कैटेगरीज में, तो आपको 100% देना है। ये जो तीसरी मैंने लेबर एग्रीमेंट वाली बात कही है, इसमें चूंकि वेबसाइट में कितने बैंड चाहिए या इंग्लिश की कितने रिक्वायरमेंट है, क्या स्कोर्स चाहिए, ये कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन वहां पर ये मेंशन है कि आपका और कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर के साथ जो एग्रीमेंट होगा उसमें जो मेंशन होगा, तो ये चूंकि गवर्नमेंट और उनके बीच में होगा कि किस तरह के किस कैटेगरी के लोगों को वो बुला रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयर्स किसको हायर कर रहे हैं ओवरसीज से, तो वो उस एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे कि उनको कितना स्कोर चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ये टेस्ट इंग्लिश के दे करके और स्कोर अचीव करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप परफेक्टली कर लेते हैं, यहां पर मैं अपनी ओर से एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि जब पहले सारी चीजों को समझ लीजिए, तो इमीडिएट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी इंग्लिश, आप अपने फंड्स और आप अपनी जो भी पेपर वर्क है उनको जब कंप्लीट कर लें, तभी आप वीजा प्रोसेस करें, ताकि आपका इमीडिएट एक बार अप्लाई करें और खटखटखट करके आपको सारी चीजें होती चली जाए, आपका वीजा बहुत डिले ना हो जाए। क्योंकि बहुत लंबा खींचने से कई बार क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, और अगर बहुत लंबे समय तक कोई प्रोसीजर चलता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इच्छा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं फिर कमजोर पड़ने लगती है। तो सारी प्रिपरेशन करने के बाद में फिर आप आराम से जो है तो वीजा को अप्लाई कीजिए। देखिए, इस देश में अगर आप आते हैं तो मेंटली भी प्रिपेयर्ड होकर के आइए, कि अगर आप एक अच्छे कंट्री में जा रहे हैं तो एक अच्छे इंसान की तरह जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, आए दिन यहां पर समाचारों में भी हम देखते रहते हैं। अभी मैं अपना खुद पिछले हफ्ते का ही बता रहा हूं कि एक ऊबर ईट अपना कोई इंडियन लड़का ही था, यहां पर गिव वे सिस्टम होता है कि अगर आप इधर से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, तो किसको क्या गिव वे देना है, वो आपको जब आप लाइसेंस वगैरह लेते हैं तो यहां पर उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, वो आप कंप्यूटर में भी उसको आप पढ़ सकते हैं और उसमें वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो वो जबरदस्ती लड़का घुसा रहा है, जबकि मेरा था, मेरे उसके आगे एक अंग्रेज लेडी जो है गाड़ी चला रही थी, उसने तो उसे हॉर्न भी बजाया लेकिन वो जबरदस्ती घुस गया। उसके बावजूद आगे जाकर के जब मैं राइट में टर्न हुआ तो पीछे रह गया था, लेकिन उसने जबरदस्ती बड़े नैरो रोड में उसने निकाला और उसका कुछ सामान वामान भी गिर गया, वही बहुत जल्दबाजी में था। हालांकि मैंने उसको इशारा करके, क्योंकि इंडियन बच्चा था तो मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो नहीं रुका, भैया उसका सामान वामान छूटा और भाग गया। अब ऐसे में क्या होता है, क्योंकि यहां लोगों का माइंड सेट होता है कि बिल्कुल जो उन्होंने लर्न किया उसी के हिसाब से गाड़ी चलानी, तो इसमें क्या है, आप टू व्हीलर में चल रहे हो, कार वाला कहीं अगर गलती से ठुकठक आ गया तो फिर यहां पे लोगों की डेथ हो जाती है और इंजरीज होती हैं, और आप स्टूडेंट आए हैं, माता पिता के इतने सारे होप्स हैं आपके ऊपर, और आप यहां आकर के इस तरह का कुछ करते हैं, हरकतें जिसकी वजह से कोई बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा। तो इन सब चीजों की सावधानी बरतें, यहां के रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करें, जैसे आप अपने कंट्री में कर लेते हैं, जितनी लिबर्टी वहां पर मिलती है उतनी लिबर्टी लेने की कोशिश यहां पर ना करें, क्योंकि अगर एक बार भी कानून के दायरे में आए तो डिपोर्ट होने के बहुत बढ़िया चांसेस होते हैं, और मतलब इमीडिएट वो लोग डिपोर्ट भी करते हैं। और अगर आपको आपके ऊपर किसी भी तरह की अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप उसको कैसे इस विदेश में आकर के और फेस करेंगे। तो मेरी वैसे तो शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ में, लेकिन आप अपनी ओर से भी यहां के नियमों को थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिए, थोड़ा बहुत जान लिया करिए। और आजकल तो इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए हमारे जैसे जो बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर भी कीजिए जब यहां, क्योंकि पिछले साल देखिए लगभग 6.5 लाख लोग आए हैं, अभी भी यहां पे
काफी सेक्टर्स में लोगों की आवश्यकता है, तो इन फ्यूचर भी लोग आएंगे, आप लोगों में से हो सकता है कई लोग आए और मुझे कई लोग यहां पर मिले हैं जो इंडिया में रहते हुए मेरी वीडियोस देखते थे, मुझे अचानक यहां कहीं पर मुलाकात हो जाती है, लोगों के मैसेजेज आते हैं, कई लोगों से मैं मिल भी चुका हूं, बोलते हैं हम आपका 2 साल से 3 साल से वीडियोस देख रहे थे, बड़े इंस्पायर हुए और यहां पर आए। मैं ऐसे सभी लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस देश में आकर के अच्छे नागरिक बनकर के और खूब सारी उन्नति करें, अपने माता पिता को सुख दें और अपने जीवन को भी सुखी बनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। और इस वीडियो के अंत में भी छोटा सा ब्लॉग का पोर्शन रहेगा, उसे भी आप प्लीज जरूर देखिएगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, क्योंकि आजकल मेरे पास समय एकदम नहीं मिलता है, तो मैं वीक में पहले 2 वीडियोस डालता था, मैं मुश्किल से 1 वीडियो डाल पा रहा हूं, तो इसी में मैं अपने ब्लॉग का भी एक अंश ऐड कर देता हूं, प्लस आपको ये तमाम सारी जो भी मेरी जानकारी में होती है इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाता हूं, तो प्लीज उसे भी देखिएगा। मैंने कहा चलो रास्ते में खाएंगे, फिर रास्ते में हमने प्लान किया कि नॉर्थ पैरामाटा में डोमिनोज वहां खाते हैं, फिर प्लान बदला हुआ हरीश पार्क में चल के कुछ खा करके खाना खाते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। रास्ते भर में सारे प्लान कर लिए हम लोगों ने और फाइनली मैंने ही सारे प्लान बदले भी, और ये हुआ कि अब चलते हैं घर और बिल्कुल देसी दाल चावल और दाल में फ्राई करूँगा बहुत मस्त एकदम ढाबे टाइप की, और पापड़ अचार के साथ में सैलेड के साथ में वही बनेगा, वही खाएंगे। तो आपको दिखाते हैं आज हम अपना दाल चावल कैसे बनाते हैं। क्या प्लान है भाड़ी जी तुम्हारा? हाँ वही प्लान है जो आपने कहा है, है ना, ठीक है ना, तुम सब लोग राजी हो, सब राजा मंदी से हुआ भाई सबकी। And we had fun, Anshika. Yeah, yes, I had so much fun. And Anshika had 2 times ice cream today. Yes. That was the main part of the fun. ये लॉटरी थी अंशिका की। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया है घी और यहाँ पर देखो प्याज और लहसुन अदरक सब कटा रखा है, पर मेरे हिसाब से चूंकि दाल की क्वांटिटी को देखते हुए प्याज कम है, तो पाणी जी अभी प्याज और छील काट रही हैं, 2 प्याज दिए हैं तो और काट देंगी, दाल अच्छे से फ्राई होकर टेस्टी हो जाएगी। तो ये भैया हमारी दाल हो रही है फ्राई। ये देखिए बंधुओं, दाल एकदम ज़बरदस्त ढंग से जो है, अच्छा खासा इसमें मसाला है, लुक ये जो है बहुत ज़बरदस्त बन गई है दाल, अंशिका को भी बहुत अच्छी लगती है। है देखो तो सिंपल दाल, लेकिन इसमें टेस्ट में ये सचमुच बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें हींग और अदरक लहसुन प्याज टमाटर प्लस कुछ मसाले वगैरह भी पड़े। तो देखें भाई हम लोगों की प्रिपरेशन हो गई है, प्लेट्स लग चुकी हैं और 7 बजने में अभी 25 मिनट बाकी हैं, क्योंकि हम लोग 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाते हैं, तो अब भूख बहुत तेज लग गई है। तो ये देखिए बंधु आ गया है चावल, इसमें डालूंगा मैं दाल, और इसको जब मैंने फ्राई किया है तो इसमें डाली है देखो मिर्च, दिख रही होंगी, हाँ दिख रही हैं, बहुत अच्छी लगती है इसमें मिर्च, और पापड़ तो है ही, मुँह में पानी आ रहा है। अंशिका तुम्हें पापा डाल देते हैं दाल, नजदीक रखा जस्ट मुंह जस्ट, हाथ मत लगाना नहीं तुम्हें गिर जाएगा तो जल जाओगी। तो बंधुओं जो है इतना स्वादिष्ट देखने से भी लग रहा है, क्योंकि दाल मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, तो एकदम मैडनेस है, और अब ये मैडनेस जो है हाय 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 अब जाएगी हमारे उदर में, उदर पूर्ति पेट में। तो पेट कौन से लैंग्वेज? मजा आ गया, अभी मैं इसके साथ में पापड़ और प्याज का भी आनंद लूंगा। यस, थोड़ा देर से सही पर आनंद आ गया, मजा आ गया, कुल मिला जुला के एकदम झकास दाल चावल, देसी देसी खाना, देसी खाना। अच्छा कैसा लग रहा है अचार? अचार यार पाणी जी मुझे भी थोड़ा देर निकाल के छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे लो हाथ में नहीं दिया जाता, मुझे भी दे देना, मुझे भी दे दीजिए थोड़ा थोड़ा सबको, अंशिका को थोड़ा ही देना, बाद में पता चला इसने छोड़ छाड़ दिया, सो इट्स बेटर। तो ये अचार जो है भरवा मिर्च, ये बहुत अच्छा होता है, हम काफी समय से इसको यूज कर रहे हैं तो टेस्टी होता है। अब दाल चावल खाते टाइम ना
दाल सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, मतलब चावल सूखे नहीं होने चाहिए, ऐसे थोड़े गीले होने चाहिए अच्छे से। दाल एकदम बहुत अच्छी है। दाल अच्छी बनी है और दाल मैंने बनाई है, उसको जबरदस्त ढंग से पकाना पड़ता है तो उसका स्वाद है। इसमें पापड़, पापड़ दे दो मम्मा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।